السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. मैं मुफ्ती मोहम्मद जुबैर मिसबाही, मुफ्ती सलमान अजहरी के बड़े भाई. मेरी कुछ ख़ास गुजारिश है कि आज जो मुल्क के हालात हमारे सामने हैं, मुल्क में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, सियासी सरगर्मियां बड़ी तेज़ों पर हैं, तेज़ी में हैं, ऐसे मुश्किल हालात में हमें किसी से उलझना ये अक्लमंदी की दलील नहीं है, बल्कि ऐसे मुश्किल हालात में, ऐसे नाजुक हालात में हमें कानून का सहारा लेकर तमाम मसाइल, तमाम मामलात को बड़ी संजीदगी के साथ लेने की सख्त ज़रूरत है. अभी हालिया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के गिरफ़्तारी को लेकर मुल्क में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काफ़ी बेचैनी है, बेकरारी है, दर्द का इजहार है, दुआएं भी हो रही हैं, उलमा मशाइख खानकाहों की तरफ से हिमायत भी है. मगर इस सिलसिले में कुछ लोगों की बेजा हरकतों की वजह से मामलात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर मुल्क के कानून के ख़िलाफ़, अदालत के ख़िलाफ़ या पुलिस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ जो लोग बयानबाजियां कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर उनकी तकरीरों की कुछ क्लिप्स को काट कर एडिट करके शेयर कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा ये सब चीज़ें बंद कर दें, इनसे परहेज़ करें. अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं भी मुकदमा हुआ वहाँ हमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से या कानून अदालत की तरफ से हमें राहत मिली है, इंसाफ मिला है और आगे भी इंशाअल्लाह इंसाफ मिलने की उम्मीद है. अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुल्क का कानून और हमारे मुल्क की अदालतें हमारे हक में बहुत ही बेहतर हैं, अच्छी साबित हो सकती हैं, और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत और बुज़ुर्गों की दुआओं और कानून के सहारे हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंसाफ मिलेगा और हमारे हक में हालात बेहतर हो सकते हैं. आपसे मैं दुआओं का तालिब हूँ और साथ ही साथ आप अच्छे माहौल को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करें. अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए. खुदा हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम.